लखनऊ की, जहां से लखनऊ से बीजेपी विधायक की पत्नी के घर से गायब होने की घटना से राजधानी में हड़कंप मचा हुआ है। अब उनकी सकुशल बरामदगी के बाद सभी ने चैन की सांस ली है। लम्हुआ से बीजेपी विधायक सीताराम वर्मा की लापता पत्नी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। बाराबंकी के सफेदबाद में उन्हें बरामद किया है। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद पुलिस विभाग की टीम सक्रिय हुई थी। पुलिस को किसी ने सूचना दी कि उक्त महिला को सफेदा बाग में देखा गया है। परिजनों को सूचित किया गया, लोगों ने उनकी पहचान सुनिश्चित की। पुलिस प्रशासन को परिवार के सदस्यों ने धन्यवाद दिया है। इससे पहले सीताराम वर्मा के बेटे ने मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। श्रीमती पुष्पा वर्मा, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, ये घर से बिना बताए चली गई हैं और अभी तक वापस नहीं लौटी हैं। इनको भूलने की आदत है, घर से वापस नहीं लौटी। तत्काल इसमें गुमशुदगी दर्ज की जाती है और तत्काल इसमें पुलिस एक्टिव होती है, सक्रिय होती है और जितने भी आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस हैं और कैमरे हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से और मैनुअल सर्विलांस के माध्यम से खोजने का प्रयास किया जाता है। इसमें टोटल 10 टीमें हमारी सक्रिय हैं, लगी हुई हैं। आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं, पार्क्स हैं, उनको खंगाला जा रहा है, छाना जा रहा है और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इन सब जगहों पर पैम्फलेट्स और पोस्टर्स लगाए गए हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस टीमें लगातार सक्रिय